गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीकास्ट। तो आज का ब्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग चलते हैं अभी किचन में, देखते हैं श्रुति अभी क्या कर रही है। तो चलिए फटाफट। मिस श्रुति सुबह का नाश्ता बनाते हुए। नाश्ता बन चुका है, सॉरी दोपहर का खाना। हाँ। और ये गर्मी से पूरा हाल बेहाल है इनका। और अभी टेम्परेचर देखिए कितना, सुबह का 10 बजने वाला है, 35 डिग्री है। अभी देखिए कितना होगा, 12 एक बजने दीजिए खाली, उसके बाद देखिए। आपका फेवरेट खाना बना रहे हैं क्या? देखिए ये खाना को छीने वाला क्या आप नहीं खाते? ये सब खाने वाला चीज थोड़े, करेला कौन खाता है? हम खाते हैं, आपके मम्मी पापा खाते हैं। तो खाइए ना, रोके हैं क्या? खाते हैं, हमको अच्छा लगता है, खाना चाहिए, करेला भी खाना चाहिए। हमको पसंद नहीं है बस। देखिए गर्मी से देखिए पसीना, देखिए माथा में चूल्हा का ताप लग रहा है एकदम। अभी तो ठीक है, अभी उतना नहीं लग रहा है। शाम को ज्यादा लग, बहुत लगता है। रोटी बनाते टाइम शाम को इनका लहू बहता है इधर से, इधर से सिंदूर उधर फैल जाता है, सिंदूर गिर जाता है, मुंह घिना जाता है पूरा, बंदर बंदर की तरह। नाश्ता वास्ता मिलेगा? 10 बजने वाला है अभी। हाँ, नाश्ता में कद्दू का सब्जी रोटी नहीं खाना है हमको, कद्दू का सब्जी। देखिए इनका मुंह, आप लोग कद्दू का नाल के मुंह कैसा हो गया है। पनीर तो है आपके लिए, पनीर बना के रखे हैं, ले लीजिए पनीर का सब्जी और रोटी। और लाइट कब लगाइएगा यहाँ पे? हाँ पहले तूफान दीजिए। ठीक है, तूफान दीजिए। पनीर का सब्जी ये मैंने रात को बनाया था। पनीर मसाला गोटा गोटा लग रहा है, लेकिन नहीं ये गरम मसाला है। इतना गोटा गोटा रहेगा, देख रहे मसाला एकदम। वो जो है ना गरम मसाला जो है, हम जीरा वगैरह फ्राई किए थे, फ्राई उसको भूजने के बाद उसको हम पीसे थे, तो सही से नहीं ना पिसाता है थोड़ा सा चीज, इसीलिए हाथ से नहीं पीसे, हाथ से पीसे जाएंगे शाम को रात को ऊपर। हाँ। क्या लेना है? रोटी बूढ़ा हो गए हैं आप मेरे से बंगला में बात कीजिए ना, बंगला में जो बोलना है बंगला में बोलिए। बंगला में की बोलो? जो कुछ मांगना आ गए हैं तो आज से बंगला में। रोटी रोटी दा, रोटी रोटी ठीक से बोलिए, रोटी दावा में के ऐसा आवाज मत बोलिए। दादाजी वाला फीलिंग आ रहा है क्या? बूढ़ा आदमी बोल रोटी। देखिए हम लोग का सिंपल नाश्ता पूरा हमार सिंपल ना, सिर्फ बंगला में बोलिए, खादेर खादेर बादेर जोर से बोलिए ना, जैसे बोला बोलिए, आप बोलिए खादेर बादेर ठीक से बोलिए ना बोलिए। हमारा दोपहर का नाश्ता, फिर इसको बंगला में ट्रांसलेट कर दीजिए। हम क्यों करें, आप कीजिए ना, हमको नहीं आता है। नाश्ता रोटी, सादा रोटी और पनीर सब्जी ठीक है, तुम जाओ खाओ बसे। जोल किए छे? जोल जोल टा खावा तो कोई है नहीं, तो अंधेरा नहीं रहेगा घर में, मम्मी है तो आता नहीं है उतना बोलने, तो भी ये बोलते थोड़ा बहुत, तो आप लोगों को मतलब कॉमेडी लगेगा सुनने में जैसे ही बोलते हैं। हमें पूरा ब्लॉग आज बंगला में ही होगा, ठीक है, देखती हूँ कि इनको कैसा कैसा बंगला आता है, और इनको सिर्फ बोलूँगी बंगला बोलने के लिए। और अभी मैं बना रही हूँ लंच, कद्दू का सब्जी मैंने बनाया था, रोटी सूखा हुआ है, जो जैसा लेना है ले लीजिए। बहुत नखरा है आपका। हाँ सूखा पका हुआ कैसा रोटी होता है? नीचे से ही लिया आपने? नीचे सूखा था नीचे वाला चाहिए, सूखा था तभी मैं बना रही हूँ लंच। मैंने कद्दू की सब्जी बना दिया था नाश्ता में, और रोटी बनाया था, और अभी बना रही हूँ करेला का भुजिया, दाल और चावल बनाऊंगी, और बस कुछ नहीं बनाऊंगी, हम लोग तो ही खा लेंगे क्योंकि कद्दू का सब्जी भी है। और पता नहीं ये क्या खाएंगे, ये बोले आज मैं बाहर खाऊंगा, तो ठीक है खाएंगे। और ये बन गया होगा मेरा दाल, बन गया है,
और मैं आजकल जल्दी खाना बना लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। अभी 35 डिग्री है तो पता नहीं और क्या होगा 12-1 बजे तक, तो इसलिए मैं खाना जल्दी आजकल बना ले। पहले लेट थोड़ा बनाती थी, पहले जल्दी हो ही जाता था 12 बजे, लेकिन अभी मैं 11 बजते बजते अपना खाना सब खाना बना के कम्प्लीट कर लेती हूँ। नाश्ता करने से पहले ही मैं खाना अपना कम्प्लीट कर देती हूँ ताकि मैं आराम से नाश्ता करती हूँ, इसके बाद फिर जाके आराम करती हूँ, फोन वगैरह चलाती हूँ। और आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, जो हमारा घर बन रहा है इसके ऊपर काम चल रहा है, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इसलिए आप लोग का आवाज़ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब आप लोगों को सुनने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो भी मैं ज़ोर से बोल रही हूँ और मेरे हाथ में पता नहीं बहुत सारे छोटे छोटे दाने हो गए हैं, कैसे दिखाऊं आप लोगों को पता नहीं, गर्मी की वजह से ही हुआ है 100% गर्मी की वजह से। और गर्मी की वजह से बाल भी मेरा कैसा हो गया, चिपक गया है पूरा बाल, बाहर शैम्पू भी नहीं कर पा रही हूँ मैं कुछ दिन से, शैम्पू भी मुझे करना है और कल था गुरुवार तो कल नहीं कर पाई थी, देखती हूँ संडे को करूँगी शैम्पू। तो अब मैं भी जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अभी कहाँ जाते हो एकदम सच धज के? हाँ अभी खाना खा के अभी 2 बजे कहाँ चाहते हो सर? हाँ तो मिक्स 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 कहाँ जाएंगे, बाल नहीं झाड़ते, बाल झड़े तो गर्मी से परेशान, सूते के टाइम टेबल लगा रहे हो बाल झड़ा तो रहो आप, मैं नहीं झाड़े थे ना, सिर्फ झाड़ते थे। मैं कब भी कर लूँगा ना, मैं कब भी कर लूँगा ना, हमरा के मेकअप ना आएगा कुछ ना आएगा तारा के। सच्ची देखी मेरा हाथ में का होइल, नहीं इधर लाइट में, लाइट में गर्मी से हुआ है शायद कि इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हुआ है गर्मी से, देखिए अरे बाप बहुत हो गया है, लेकिन बहुत गर्मी पड़ रहा है, बहुत हद से ज्यादा गर्मी इधर हो रहा है पूरा हाथ में। रही है दिखाइए ना इस पे क्या हुआ है हाथ में, बोला है जस तो समझिए मन क्या दिखाएंगे, पूरा में हो गया है देखिए, पूरा इनका हाथ में इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन के कारण पूरा घमोची टाइप का निकल, दूर से दिखाइए, घमोची नहीं है, घमोची ऐसा थोड़ी ना होता है, हाथ में घमोची होगा देखिए, घमोची गर्दन वगैरह में होता है, इतना अजीब लग रहा है देखने में, छोटे छोटे इनका पिछला साल भी हुआ था ना, हाँ गर्मी में हुआ था, तो गर्मी में तो हुआ था, ठंडा और हुआ वो इन्फेक्शन या फिर एलर्जी, पूरा हाथ में भर गया है दोनों हाथ में, हाथ में ही होता है ये वाला हर बार, हर साल मेरा, अगले साल भी हुआ था। पाउच दिया है ना डॉक्टर जो दिए हैं पाउडर, उसको लगाइए, ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। हम कहाँ चिंता कर रहे हैं, चिंता तो कर रहे हैं, चेहरा देखकर नहीं लग रहा कि डार्क सर्कल आ गया है, आंख के नीचे डार्क सर्कल, थोड़ा डाउन है तबीयत, इसीलिए आपका डाउन ही रहता है हमेशा, तबियत डाउन है अच्छे ऑलवेज क्या बोले, ऑलवेज डाउन है अच्छे, ठीक से बोलिए। देखिए मेरे को बंगला नहीं आता है ठीक से, तो हम हिंदी बंगला और उर्दू नहीं इंग्लिश मिक्स करके बोलेंगे, ओके 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 ठीक है, सुनेंगे हम आपका बंगला, ठीक है तो हाँ। और देखो पाउडर रखा अच्छे तो मैं एक खूने हाथे हाथे नो ठीक हो गया जो हुआ था ना पैर वैर में, आई दूसरा फिर निकल गया है, गर्मी बहुत बहुत ज्यादा गर्मी बहुत तो यहाँ पे लग गया है मेरा पाउडर और इसे जल्दी ही ठीक हो जाएगा, कई बार हो चुका है, अरे इसको उठाई ना बाहर है, लगा रहे हैं इस हाथ पे पाउडर, और बहुत ज़्यादा रेड रेड हो गया है, और मुझे ठंडे के दिन में भी हो जाता है, ठंडे के दिन में कैसे होता है, गर्म पानी से नहाने से होता है ना, इसीलिए गर्म पानी से हम नहाते नहीं, कुछ दिन पहले पैर का मेरा सब सही हुआ है, पैर में भी देखिए आप लोग देख सकते हैं ये छोटा छोटा काला काला है,
इनके पैर में हो गया था, मेरे पैर में, इस पैर में भी हुआ है, मैंने देख सकते अभी भी है थोड़ा बहुत, तो ये सब सही हुआ है और फिर ये नया वाला हो गया। छत पे थोड़ा सा टहलने के लिए इस टाइम पे तो आती हूँ, आप लोगों को पता ही है, और मैं सोची थी ब्लॉग का भी एंड कर दूँ, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि आप ब्लॉग का एंड नहीं करते हैं कभी कभी, तो नहीं कर पाती हूँ इसलिए नहीं करती हूँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप लोग कीजिए हमारा इंतज़ार, कल न्यू वीडियो आएगा फिर से आप लोगों के लिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बाय।